मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन योर इंग्लिश बुक एंड देन पेज नंबर ओपन 2121. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू ओपन पेज नंबर 2121? ओके. टुडेज टॉपिक इज क्वेश्चन विथ दीज एंड दोज. हमने पहले वाले वीडियो में जो टॉपिक हमने सीखा, यूज ऑफ दीज एंड दोज, यानी कि इनका यूज़ कब करते हैं, वो सीखा था. लेकिन अब आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन विथ, मतलब कि क्वेश्चन के साथ. लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट आर दीज, ये क्या है? तो आंसर क्या है? दीज आर पेंसिल्स. तो ये क्या है? पेंसिल है. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर दोज, मीन्स ये क्या है? नियर के लिए तो दीज यूज होता है, और फार के लिए दोज, यानी पास के लिए तो दीज, और दूर के लिए दोज. ओके. तो दोज आर स्टार्स. नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक विथ दीज और दोज टू कंप्लीट द क्वेश्चन एंड आंसर. आपको क्या करना है? दीज और दोज से आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों कंप्लीट करना है. लाइक दिस, व्हाट आर दीज, ये क्या हैं? तो जो आपका दीज है, इसका भी क्वेश्चन लिखते समय जो दीज लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, TH E S E, दीज. जब हम आंसर राइट करेंगे तो दीज का जो टी है वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा. तो स्पीक, दीज आर ग्रेप्स. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस. ओके. नेक्स्ट, व्हाट आर दोज, हम दोज क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि जो थिंग्स है वो इसमें क्या है? फार है, यानी दूर है. तो दूर के लिए हम करेंगे यूज़ दोज, TH O S E, दोज. जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे, यानी कि जो स्टार्ट का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन जब ये दोज कहाँ आ रहा है? स्टार्टिंग में नहीं आ रहा ना. तो व्हाट आर दोज, टी जो होगा वो स्मॉल लेटर में बनेगा, व्हाट आर दोज. ओके. तो वी विल राइट नाउ इन आंसर, दोज आर बुक्स. तो टी कैसा बनेगा? कैपिटल TH O S E, दोज आर बुक्स. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट, व्हाट आर दीज, यस स्पीक, व्हाट आर दीज, स्पीक अगेन, व्हाट आर दीज, व्हाट इज दिस? ये पिक्चर्स किसका है? वेज का. तो लाइक दिस, आपको केवल दीज और दोज में ही आपको आंसर देना है. तो व्हाट आर दीज, ये नियर है, तो हम कैसे क्या राइट करेंगे? दीज, TH E S E, दीज, व्हाट आर दीज. तो आंसर में कैसे स्पीक करेंगे? जो क्वेश्चन क्वेश्चन में तो हमने दीज में टी स्मॉल लेटर में बनाया, इसी तरह जब हम आंसर राइट करेंगे तो दीज किस में चेंज हो जाएगा? दीज का जो टी है वो कैपिटल बनेगा. तो दीज, TH E S E, दीज आर वेजेस. ओके, अंडरस्टैंड? ओके. एंड नेक्स्ट, व्हाट आर दोज, बिकॉज क्योंकि क्या है ये हमसे, मतलब फार है, ये फार को शो कर रहा है. तो व्हाट आर दोज, वी विल यूज ऑफ दोज, TH O S E, दोज. Understand all of you? Okay. We will write now in answer, those are monkeys. More than one, यानी कि एक से ज़्यादा हो जाते हैं तब हम इसका use करते हैं. तो TH O S E, those are monkeys. Understand all of you? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन विथ दीज एंड दोज कंप्लीट करना है पेज नंबर 21 पर. ओके स्टूडेंट, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय, थैंक यू.